राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हो रहा, इस देश में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपका क्या विचार है, राहुल गांधी के क्रिटिसिज्म में कोई तथ्य है? देखिए, अपोजिशन पार्टी जो होती है उनका काम यही होता है, जैसे हिंदी पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, कैरेक्टर एक्टर होता है, वो विलन का रोल ही ऐसा होता है कि उसको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि वो विलन का काम करता है। तो जो अपोजिशन पार्टी में होता है वो अगर कहेगा कि रूलिंग पार्टी ने अच्छा काम किया उसको पटते हुए भी, तो उसका दुकान नहीं चलेगा, तो उसको स्वाभाविक रूप से हमारे विरोध में ही बोलना पड़ता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विलन होती हैं? विलन नहीं कह रहा हूं मैं, मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जिस प्रकार का कैरेक्टर मिलता है उस प्रकार का रोल होता है। अभी जैसे मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो मैं असेंबली में विरोध में बोलता था, अगर एक आधी जगह पर मैं सरकार का अभिनंदन करता था कि ने अच्छा काम किया, तो तुरंत मीडिया में छप के आता था कि अपोजिशन को रूलिंग पार्टी ने मैनेज किया। तो सब लोग चाहते कि विपक्ष में जो होगा वो उसने विरोध करना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी में होता है, वो इधर लाल बेंच होते हैं तो वो जो विरोधी पक्ष के बेंच होते हैं उसमें लोग चिल्लाते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं तो वही समझदारी की बात करते हैं। तो दोष व्यक्तियों का नहीं होता, दोष चेयर्स का होता है, जहां बैठता है वैसी बात करता है।